नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। गर्मी और मानसून के बाद अब ठंड में कितना कहर ढाएगा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कहर को करीब एक साल होने वाला है। गर्मी और मानसून तो बीत गया और अब लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ठंड के दिनों में आखिर कोरोना वायरस का कैसा रूप होगा। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस गलतफहमी से दूर रहने की चेतावनी दी है कि ठंड के मौसम में कोरोना वायरस मर सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस पर तापमान कोई खास प्रभाव नहीं डालता। एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत हैं कि ठंड के मौसम में मौसमी वायरस ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दुनिया के कई हिस्सों में सर्दियों के मौसम में इन्फ्लुएंजा होता है, जबकि भारत में मानसून और सर्दियों के मौसम में इन्फ्लुएंजा फ्लू फैलता है। हालांकि एक्सपर्ट अभी निश्चित रूप से ये नहीं कह रहे हैं कि इसका कोरोना वायरस से कोई सीधा संबंध है। अब तक किस मौसम में बढ़ा है कोरोना? सर्दियों के मौसम में वायरस संबंधी बीमारियां और सांस संबंधी दिक्कत भी बढ़ जाती है। पूरी दुनिया में ठंड के मौसम में फ्लू वायरस से सबसे ज्यादा मौत होती है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण सर्दियों के मौसम में और बढ़ सकता है, लेकिन एक्सपर्ट ने अभी तक मौसम और भौगोलिक क्षेत्रों के बीच किसी तरह का संबंध नहीं बताया है। WHO के उप निदेशक प्रोफेसर इयान बर ने बताया, COVID-19 और मौसम के बीच अभी तक वैसा मजबूत संबंध नहीं पाया गया है जैसा कि इन्फ्लुएंजा और सांस जैसी अन्य बीमारियों के साथ देखने को मिलता है। प्रोफेसर इयान ने कहा, हालांकि भारत जैसी जगह में इन्फ्लुएंजा के कई मौसम हैं। सर्दियों की तुलना में यहाँ इन्फ्लुएंजा मानसून के मौसम में पीक पर होता है। मुझे नहीं लगता कि यह कोरोना वायरस के लिए मायने रखता है। सर्दी या बरसात के मौसम में सांस से जुड़ी अन्य बीमारियां भी होने लगती हैं। हालांकि कोरोना वायरस अब तक इस पैटर्न पर फिट नहीं हो पाया है। सर्दियों में क्यों बढ़ता है संक्रमण? पश्चिमी देशों में ठंड बहुत अधिक पड़ती है और लोग घरों में ही रहते हैं। ऐसे में घर में अगर एक बार वायरस घुस गया तो एक साथ रहने वाले सभी लोगों को संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि एक्सपर्ट्स के अनुसार ये बात भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पूर्व उपनिदेशक डॉक्टर MS चड्ढा ने बताया, भारत में लोग हमेशा घर के अंदर नहीं रहते, वो धूप की तलाश में बाहर आते हैं, जिससे घर में वेंटिलेशन बेहतर रहता है। अन्य देशों में कोरोना वायरस की स्थिति, इन्फ्लुएंजा एक सर्दियों की बीमारी है, ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मई जुलाई में सर्दियों के मौसम में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इस बार यहाँ इन्फ्लुएंजा के मामलों में भी वृद्धि नहीं हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए भी पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे थे, जिसकी वजह से फ्लू के मामलों में भी कमी देखी गई। क्या भारतीयों को चिंता करनी चाहिए? एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में सर्दियों के मौसम में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ सकती है। पिछले कुछ महीनों में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोले गए हैं, इसकी वजह से सर्दियों के मौसम में संक्रमण फैल सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मास्क लगाने से मामलों में कमी लाई जा सकती है। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार।